गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन मोस्ट वेलकम। देखिए बेटा, मैं सुंदर सिंह जादौन, साइंस टीचर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे विभिन्न प्रकार के पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी। अब मैं आज आपसे बात करूँगा लवण की, क्योंकि हम अम्ल के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, क्षार के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, आज हम लवण पढ़ेंगे। लवण क्या है, लवण कैसे बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आज का, लवण परिवार, ठीक है। कहने का मतलब, विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं, विभिन्न प्रकार के, जैसे मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तो विभिन्न प्रकार के लवण है, और ये सब लवण मिलके एक परिवार बनाते हैं, उसे लवण परिवार कहते हैं। अब देखिए, विभिन्न प्रकार के, यानी जिनमें ऑक्साइड, क्लोराइड, कार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट, इनसे मिलकर विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं, ठीक है। तो मैं उनमें से कुछ लवणों की बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लवण बनता कैसे है। देखो सिंपल, आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं परस्पर तो क्या होता है, वो अब आपके यहां काम आएगा। जब अम्ल की और क्षारक की परस्पर क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है। क्या बनता है, लवण। देखो कैसे, मैं एक लाइन डाल रहा हूं यहां पर, अम्ल व क्षारक की परस्पर क्रिया कराने पर लवण व जल बनता है। देखिए, अम्ल व क्षारक की परस्पर क्रिया कराने पर लवण व जल बनता है। तो यहां हम ये बात करेंगे लवण बनाने के लिए करना क्या होता है। देखिए, अम्ल प्लस क्षार, यह क्षारक कह दो, क्या बनेगा, लवण प्लस जा, ठीक है। तो ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, अम्लों की अभिक्रिया क्षारकों के साथ कराने पर लवण बनता है और इसके साथ जल भी निकलता है, ठीक है। अब लवण में मैं बताऊंगा आपको, लवण परिवार में हम तीन प्रकार के लवणों को पढ़ेंगे,
तो लवण तीन प्रकार के होते हैं। देखिए बेटा, लवण तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अम्लीय लवण। पहला अम्लीय लवण, दूसरा क्षारीय लवण और तीसरा उदासीन लवण। तीन प्रकार के लवण है बेटा, अम्लीय लवण, दूसरा क्षारीय लवण, तीसरा उदासीन लवण। देखो तीन लवण है, सबसे पहले एक एक करके हम पढ़ते हैं। अम्लीय लवण, तो यहां अम्लीय लवण बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, आपने अम्ल और क्षार दोनों के दो दो प्रकार पढ़ रखे हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। वो प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ऐसे ही क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। ठीक है, तो यहां देखें अम्लीय लवण कैसे बनेगा। प्रबल अम्लों की अभिक्रिया दुर्बल क्षारों से कराने पर, प्रबल अम्लों की अभिक्रिया दुर्बल क्षारों से कराने पर अम्लीय लवण बनता है। अम्लीय लवण बनता है जैसे जैसे प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार। तो देखो अम्ल की क्रिया क्षार से है, लेकिन देखो यहां अम्ल प्रबल है, क्षार दुर्बल है। कहने का मतलब अम्ल ज्यादा का मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और OH आयनों की सांद्रता कम है, तो बनने वाला लवण ज्यादा होगा अम्लीय होगा, तो बनने वाला लवण होगा अम्लीय लवण प्लस जल। अब देखो उदाहरण, प्रबल अम्ल का सूत्र आपको लिखा रखा है पहले, HCl। क्या होता है HCl प्लस दुर्बल क्षार का सूत्र आप जानते होंगे NH4OH, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है। तो इस प्रबल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षार से कराएंगे, तो देखो इस अम्ल का तो H और इसका OH मिलकर तो बना लेंगे जल, बचा क्या NH4 और यहां पर Cl, तो ये बन गया NH4Cl। इसका नाम है, ये अम्लीय लवण है और नाम है इसका अमोनियम क्लोराइड, और इसका pH क्या है 7 से कम। तो यहां हम ये कहेंगे कि प्रबल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षार से कराने पर, प्रबल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षार से कराने पर अम्लीय लवण बनता है। ठीक है, और इसके साथ जल भी निकलता है। अब हमारे पास प्रबल अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दुर्बल क्षार है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराने पर अमोनियम क्लोराइड बनता है और अमोनियम क्लोराइड का पीएच मान 7 से कम होता है। इसका मतलब
जितने भी अम्लीय लवण होते हैं, अम्लीय लवण का पीएच 7 से कम होता है, ठीक है, पीएच वैल्यू लेस देन 7 ऑफ एसिडिक साल्ट, क्लियर। ये पहला प्रकार था। अब मैं बात करता हूं दूसरा प्रकार, देखो पहला प्रकार था अम्लीय लवण, दूसरा आप पढ़ोगे क्षारीय लवण, बेसिक साल्ट। तो जैसे अम्लीय लवण का निर्माण हुआ ऐसे ही क्षार का करेंगे क्षारीय लवण का, लेकिन यहां पर अम्ल आपने प्रबल लिया है, अब यहां कैसा लेंगे, क्षार को प्रबल लेंगे, तो मैं ये कहूंगा प्रबल क्षार, प्रबल क्षारों की अभिक्रिया दुर्बल अम्लों से कराने पर। देखो क्षार कैसा ले रहा हूं, प्रबल ले रहा हूं, स्ट्रॉन्ग बेस, और अम्ल कैसा ले रहे हैं, दुर्बल, कराने पर क्षारीय लवण बनता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल, इससे बनेगा क्या, लवण बनेगा, लेकिन प्रबल क्या है, क्षार है, तो क्षारीय लवण बनेगा, जिसकी प्रबलता अधिक होती है उसका निर्माण होता है, क्षारीय लवण प्लस जल। प्रबल क्षार क्या है, NaOH, ठीक है, और दुर्बल अम्ल है एसिटिक अम्ल CH3COOH। ये फॉर्मूले सब आपको पहले मैं लिखवा चुका हूँ, पिछले वीडियो आप रिवाइज करेंगे तो देखेंगे ये सब वीडियो आपने पढ़ रखे हैं। अब देखो क्षार में से OH आयन हटेगा, अम्ल में से H और बन जाएगा जल। अब ये Na इस H की जगह सेट कर दो तो CH3 CH3COOH, ये H था ना, इस H को हटाओ, इसकी जगह आ जाएगा Na, ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट, बचा क्या H2O। तो यहां पर ये जो बन रहा है सोडियम एसीटेट, ये क्षारीय लवण है और इसका पीएच 7 से अधिक होता है, ठीक है। तो ऊपर लिखा हुआ है प्रबल क्षारों की अभिक्रिया दुर्बल अम्लों से कराने पर, प्रबल क्षारों की अभिक्रिया दुर्बल अम्लों से कराने पर क्षारीय लवण बनता है, ठीक है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया एसीटिक अम्ल से कराने पर सोडियम एसीटेट बनता है, सोडियम एसीटेट एक प्रकार का क्षारीय लवण है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है,
ठीक है, ये इसका दूसरा प्रकार हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरा प्रकार। नंबर तीन, तीसरा है उदासीन लवण, मतलब न्यूट्रल साल्ट, जिसमें अम्ल और क्षार दोनों ही बराबर क्षमता वाले होंगे तब वो उदासीन होगा। कहने का मतलब सिंपल, एक लाइन तो आप ऐसे लिख सकते हो कि प्रबल अम्लों की क्रिया प्रबल क्षार से कराने पर लवण तथा जल बनता है, और यहाँ पर बनने वाला लवण उदासीन होगा क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों ही प्रबल हैं। जब अम्ल और क्षार दोनों ही प्रबल हो तो बनने वाला लवण उदासीन होगा और इसका पीएच मान होगा 7, क्योंकि 7 से कम पर अम्ल, 7 से अधिक पर क्षार और 7 पर होता है उदासीन। अतः इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अम्ल और क्षार दोनों अपने गुण को खोकर उदासीन हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जैसे देखो, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, यानी प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार से कराने पर क्या बनेगा? उदासीन लवण प्लस जल। ठीक है, प्रबल अम्ल होता है HCl, प्रबल क्षार NaOH। जब इनकी क्रिया कराओ, आप देखो इधर H और इधर OH, ये तो बन गया जल और Na मिल गया Cl से, तो बन गया NaCl प्लस H2O। तो यहाँ ये जो बना है सोडियम क्लोराइड, ये उदासीन लवण है, इसका पीएच मान 7 होता है। क्या है पीएच मान इसका? 7। ठीक है, इस प्रकार ये उदासीन होता है। तो यहाँ पर हमने पढ़े लवण, अब हम देखें यदि विभिन्न प्रकार के जो लवण हैं, यदि उनके नमूने एकत्र करें, ठीक है, और भी विभिन्न प्रकार के लवण हैं, मैं आपको बताऊं कुछ और लवणों के नाम। देखो ये हमने पढ़े, इसके अलावा देखो और लवण हैं, जैसे आप देखोगे देखिए ये जो आपने लवण पढ़े, इसके अलावा सोडियम क्लोराइड तो आपके पास है, सोडियम एसीटेट है, अमोनियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये विभिन्न प्रकार के और भी लवण है। ठीक है, यदि हम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो क्लोराइड लवण बन जाएंगे, HNO3 अम्ल लेंगे तो नाइट्रेट के लवण बनेंगे, H2SO4 लेंगे तो सल्फेट के लवण बनेंगे। ठीक है, तो हम जैसा अम्ल लेते हैं इसी प्रकार का लवण बन जाता है। ठीक है, जल में यदि हम इनकी विलेयता की जांच करें तो इनको घोलकर देखेंगे जब पता लगेगा। यदि हम लिटमस बिलियन से इनकी क्रिया कराएं तो pH पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यदि अम्लीय लवण है, क्षारीय लवण है, तो उसके बारे में पता लग जाएगा। यदि उदासीन लवण है तो लिटमस उस पर अप्रभावी होगा, लिटमस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है,
अब हम लवण की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे साधारण नमक। साधारण नमक का मतलब होता है खाने वाला नमक, जिसका यूज हम खाने में करते हैं, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक होता है। सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए वैसे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया काम ली जाती है, क्योंकि यह है उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जब उदासीन लवण बनता है तो अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। तो देखिए, साधारण जो नमक है उसका निर्माण उदासीनीकरण अभिक्रिया से होता है, यानी प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार से कराने पर उदासीन लवण बनता है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम देखें और भी तरीके हैं साधारण नमक के, कि ये तो सीधी सी बात है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया जैसे ऊपर हो रहा है, ये साधारण नमक का ही निर्माण है। ये जो बन रहा है ये साधारण नमक है, इसका पीएच मान होता है 7। तो इसमें हम ये कहेंगे साधारण नमक में कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड बनता है, और ये सोडियम क्लोराइड ही साधारण नमक है। इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग भोजन में स्वादानुसार करते हैं। ठीक है, जितना स्वाद के अनुसार सब्जी में, रोटी में, जो भी आपने व्यंजन बनाए हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। अब देखें, समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले हैं। समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले होते हैं, और उन लवणों से भी हम नमक निकालते हैं। जैसे खानों से कोयला निकाला जाता है खनन प्रक्रिया के द्वारा, इसी प्रकार समुद्रों के सूखे हुए भाग से भी नमक प्राप्त किया जाता है, और ऐसा नमक कहलाता है खनिज नमक। ठीक है, तो यहां एक क्वेश्चन साधारण नमक और एक क्वेश्चन निकल के आता है खनिज नमक। देखिए, खनिज नमक, तो इसमें यह कहूंगा कि समुद्री जल में कई प्रकार के लवण होते हैं, और इन लवणों से, समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक करना है। समुद्र में तो बहुत सारे लवण घुले हुए हैं, लेकिन उनमें से हमें सोडियम क्लोराइड को पृथक करना है। तो जैसे खानों से खनन क्रिया द्वारा कोयला निकाला जाता है, इस प्रकार समुद्रों के सूखे हुए भाग से खनन क्रिया द्वारा नमक को निकाला जाता है, जिसे खनिज नमक कहते हैं। ठीक है, यानी हम कहें विश्व के कई भागों में ठोस लवण प्राप्त हुआ जाता है, ये क्रिस्टल के आकार के होते हैं और इनको खनिज नमक कहते हैं। खनिज नमक की हम बात करें तो बहुत प्राचीन समय में, यानी एक तरह से समुद्र का काफ़ी भाग सूख गया होगा, उस सूखे हुए भाग से नमक प्राप्त किया जाता है। ऐसे ही जैसे खारे पानी की झील है जहाँ से नमक प्राप्त करते हैं, तो खारे पानी की झील को जो लंबा एरिया है, पूरा क्षेत्रफल है, वो 33 महासागर का अवशेष माना जाता है। कहने का मतलब यहाँ पहले कभी समुद्र रहा हुआ होगा, खारा पानी होगा, जो वर्तमान में नहीं होने के कारण, सूख जाने के कारण पूरा ही नमक में बदल गया। इसी प्रकार जब समुद्रों में भी खारे पानी को सुखाकर जब नमक प्राप्त करते हैं, तो इसमें भी विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां होती है, तो नमक को क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। और समुद्रों से जो श्वेत रंग का जो नमक प्राप्त किया जाता है, वो खनिज नमक है।
ठीक है, जो बड़े आकार के क्रिस्टल होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, वो सब खनिज लवण की श्रेणी में आते हैं। यदि हम बात करें तो देखो, गुजरात में भी काफ़ी, राजस्थान की सावर झील में नमक निकलता है, गुजरात के अंदर यानी सबसे पहले स्थान पर देखें तो देखो गुजरात में नमक निकलता है, महाराष्ट्र निकलता है, राजस्थान निकलता है। तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा जो शुरू की थी वो एक तरह से हम मान सकते हैं कि जो नमक उत्पादन का एक तरह से प्रारंभ था, वो दांडी नमक, दांडी नाम से नमक भी आता है, दांडी नमक। तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा भी हम देखें तो स्वतंत्रता संग्राम भी नमक का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। ठीक है, तो यहाँ हम अब नमक से विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ बनते हैं उनकी बात भी करेंगे, यानी नमक एक प्रकार का कच्चा पदार्थ भी है, कच्चा पदार्थ। और इस नमक के द्वारा या जो साधारण नमक है इसके द्वारा व्यंजक चूर्ण बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, व्यंजक चूर्ण बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, धावन सोडा बनता है। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों में इस नमक को कच्चे माल के रूप में भी काम में लिया जाता है। तो साधारण नमक कैसे बनता है, फिर इससे विभिन्न प्रकार के जो बनने वाले पदार्थ हैं उनको भी बारे में अगले वीडियो में शेयर करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।